तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अदर इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो। तो भाई फर्स्ट अपडेट है गॉडल एंड सोल के रिलेटेड। तो भाई कल जन्माष्टमी थी एंड भाई एसी 12 एंड गॉडल के वोट कैंप में दही हांडी फोड़ी थी। तो भाई पहले हम देखेंगे गॉडल का सेलिब्रेशन जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड भाई अब देखेंगे ऐसे 12 का सेलिब्रेशन जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भाई एक शॉकिंग न्यूज निकलती है स्काई स्पोर्ट की तरफ से। तो क्या गाइस, स्काई स्पोर्ट ने 10 मंथ पहले के विनर को पैसे नहीं दिए। जो विनर टीम थी उसने कुछ ये बोला, आई रेदर हैव क्वालिटी टूर्नामेंट्स, नो पॉइंट टेकिंग पार्ट इन समथिंग व्हेन यू विल नेवर गेट पेड। वी वॉन स्काई स्पोर्ट सी चैंपियन 10 मंथ एगो एंड वी आर नॉट स्टिल नॉट पेड। एंड इसी के ऊपर शिवानंदी सर ने रिप्लाई देते कुछ ये बोला, वी आर फेसिंग चैलेंज इन ट्रांसफरिंग इंटरनेशनल प्राइज मनी फॉर ई स्पोर्ट। एंड लास्ट में शिवानंदी बोलते हैं, पेमेंट विल बी मेड by the end of this month। तो भाई next update है scout की तरफ से। तो भाई scout भाई ने scout invitational का format show करा जो कि आप अपनी screen पर देख सकते हो। Yes, okay. So this is scout invitational. So basically इसमें आने वाला open for all plus invitations। ये सब decided है। 2028 स्लॉट, ये रैंडम नंबर है, मतलब 2000 के आसपास स्लॉट्स रहेगा, ठीक है। बट वाइस ये बात चैट में सब लिखने लगे, क्या भाई स्काउट इनविटेशनल में सोल और गॉडल नहीं खेलेगी? इसके ऊपर स्काउट ने क्या बोला ये देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। व्हाट द फक, नो सोल नो गॉड, लाइक कहाँ पे, ये तो क्वालिफायर्स है ना ब्रो, इन तो यहाँ पे तो खेलेंगे ना सोल और गॉड लाइक, यहाँ पे क्वार्टर्स पे ये इनका वर्सेस इनका होगा फिर तो। अभी जो अब फॉर्मेट बना है, व्हाट द फक, इसमें क्या चीज है ब्रो, अभी जो है वो है। तो भाई टू बिग अपडेट निकलते हैं गॉडलाइक की तरफ से। तो भाई फर्स्ट अपडेट है रोस्टिंग गुरु की तरफ से। तो भाई गुरु भाई चैलेंज करने वाले 100 डेज 100 ब्लॉक का, ये देख सकते हो आप ऑलरेडी अपनी स्क्रीन पे। एंड लास्ट में लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 8 सितंबर। एंड सेकंड अपडेट है एएस गेमिंग की तरफ से। तो भाई एएस गेमिंग ये 20 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, इसके लिए कांग्रेट्स फॉर आवर साइड। तो भाई नेक्स्ट अपडेट है एसएल 12 की तरफ से। तो भाई आपने ये तो सोचा होगा कि पायल गेमिंग कितना पैसा यूज करती है इन स्विगी। तो भाई पायल गेमिंग ने इन लास्ट ईयर में कितना पैसा यूज करा है देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। कितना स्पेंड कर चुके होगे आप अभी तक? 50-60 के। और बाहर से ज्यादा ऑर्डर नहीं करती ऐसा बोल रहे हो? हाँ मतलब करती हूँ, लेकिन ऐसा 3-4 दिन में एक बार, पता नहीं यार मुझे क्या। तो पायल आपका जो आया है नर्वस वो ज्यादा कुछ नहीं है ऐसे, ये लो देख लो एक बार। 1,55,000 अप्रोक्सीमेट आपने सबसे ज्यादा रेमन कैफे। तो भाई जब पायल गेमिंग की बात कर ही रहे तो काशी का भी आप देख सकते हो कि उन्होंने लास्ट ईयर में कितना पैसा यूज करा है अपनी स्क्रीन पे, और इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो हम बुलाना चाहेंगे काशवी हीरानंदानी जी को, एंड उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है अपना लाइफ टाइम और 1 ईयर आई थिंक। ये आप सरप्राइज नहीं हुए ना 1,00,000 देख के? नहीं, देखो मैं बिल्कुल ज्यादा बाहर नहीं खाती हूँ। या बाहर नहीं खाते हो 1,00,000? तो भाई नेक्स्ट अपडेट है एनटीटी की तरफ से। तो गाइस एनटीटी की K47 ने लीव कर दिया एनटीटी को, ये देख सकते हो आप ऑलरेडी अपनी स्क्रीन पे। तो भाई नेक्स्ट अपडेट है स्नैक्स की तरफ से। तो स्नैक्स भाई थोड़ा इमोशनल हो गया सैड सॉन्ग सुन के। तो भाई स्नैक्स भाई का फेस का रिएक्शन देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। संग तेरे नाले मेरे तो भाई ये फनी वे में इसको सीरियस ना ले। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।